इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान कई चीजों की जो स्वागतें हैं और जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं को लेकर के उनसे संवाद कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस दौरान सभी जो लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तमाम दूसरी योजनाएं हैं जिसका सीधे सीधे जो फायदा है वो आम जनता को मिल रहा है, और इसी फायदे को संवाद के जरिए कायम करते हुए मुख्यमंत्री आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान सीधे हुए नजर आए हैं। आज अधिकारियों से इस दौरान आप साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं जिनको फायदा पहुंचाना है उनसे भी सीधा संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जरूरतमंद को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिना सिफारिश के मिल रही है। आपको ये 2 लाख रुपए जो अब तक मिला इसमें किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, किसी को घूस देने की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी होगी? चलिए बहुत सुंदर। हाँ तो पैसा सीधे खाते में जा रहा है, यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपको देखिए सुशीला जी, आपको और आपके जितने भी अन्य ऐसे प्रयागराज वासी हैं, वहाँ पे हमारे विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, इन सबके सहयोग से देखिए सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। महापौर भी वहाँ पर हैं, देखिए ये लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर शासन में पहल करते हैं, तो आप जैसे लोगों को सुविधा का लाभ मिलता है। इसलिए आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर जो ये सुविधा प्राप्त हो रही है, सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको भी मेरे परिवार की उपलब्ध में आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से निवेदन करूंगा श्रीमती रेशमा ठाकुर जनपद झांसी, जनपद झांसी माइक पर आए। नमस्कार। हाँ नमस्ते, कैसे हैं रेशमा जी, आप कैसी हैं? जी सर मैं सही हूँ। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का आज जो है पैसा जा रहा है आपके खाते में? जी सर। ये मकान के लिए आपका सिलेक्शन हो इसके लिए आपको किसी की सिफारिश कराने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? नहीं सर, स्वयं सिलेक्शन आपका हो गया ना जी। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। पति क्या करते हैं आपके? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। और क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? जी हमें सुविधा मिली है, गैस सिलेंडर मिला है, राशन कार्ड है, ये सुविधा मिली है। और राशन कार्ड से आपको जो है राशन कार्ड से राशन मिल रहा है? उसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ती ना? नहीं सर। और ये रसोई गैस के सिलेंडर के लिए भी कोई सिफारिश और कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी होगी? नहीं सर। और ये मकान के लिए भी आपको सिफारिश और घूस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी? नहीं सर। देखिए अच्छी सरकार जब आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ ऐसे ही देती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है कि हर गरीब को बिना भेदभाव के, हर जरूरतमंद को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिले। इसी के लिए हमारे जो वहाँ पे विधायक गण सांसद जी बैठे हुए हैं, यहाँ महापौर जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, ये सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर गरीब को चेहरा देख करके नहीं, उसकी जरूरत के हिसाब से शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाए। और आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का यह पहली किस्त 50,000 रुपये की आपके खाते में सीधे जा रही है पैसे, 50,000। इस पैसे का उपयोग मकान बनाने में ही करना, ठीक है ना? इससे फिर अगले किस्त आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी।
फिर उस पैसे से आप मकान पे लगा देंगे तो तीसरी किस्त फिर 50,000 की मिल जाएगी, तो 2.5 लाख रुपया मिलेगा। 2.5 लाख रुपये से अच्छा मकान आपका बन जाएगा, तो आपके बच्चे बच्चों को स्कूल पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है? आप इनको स्कूल पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, तो ये बच्चे आगे बढ़ करके बड़ा नाम करेंगे फिर, ठीक है? अरे आपको रेशमा खातून जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, अन्य जितनी बहनें वहाँ बैठी हैं, इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, और अपने जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा पहल की जाती है और शासन से योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध कराया जाता है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं श्रृंखला में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर चाहूँगा, श्रीमती निर्मला जी आप संवाद के लिए आमंत्रित हैं। श्रीमती निर्मला जी, हाँ निर्मला जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। आपको आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जा रही है आपके यहाँ, तो आपको मकान मिल गया, मकान आपने जो 2 लाख रुपया मिला है, पैसा आपको पूरा मिल गया था? दो किस्त मिला, एक किस्त आज चली गई है। आपसे तभी हम बात कर पा रहे हैं जब पैसा आपके खाते में जा चुका है, और नहीं तो पंडित जी बैठे हैं बगल में, तो हमसे चैन फिर कहाँ बैठने देंगे हम लोग। पैसा आपके खाते में चला गया है तीसरी किस्त का भी, लेकिन जो 2 किस्त आपको दी गई, इससे पहले इसमें कोई सिफारिश की आवश्यकता, कोई घूस की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? मकान पे पैसा खर्च किया? अच्छा, क्या 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 इससे पहले और कोई सुविधा आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है? क्या क्या मिला है? आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनाया, 5 लाख रुपए सालाना इसका भी मिला होगा ना? राशन कार्ड है कि नहीं है? राशन कार्ड भी है, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए एक ये लाभ पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन नहीं मिला, पिछली सरकारों का एजेंडे में विकास था ही नहीं, गरीबों का हित था ही नहीं, उनका तो स्वयं का विकास हो, खानदान का विकास कराने में सब लोग लगे हुए थे। आज सरकार का एजेंडा साफ है कि बिना भेदभाव के हर एक गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, नहीं तो किसी स्ट्रीट वेंडर को कोई लोन देता ही नहीं था, पुलिस उल्टा वसूल करती थी। लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, एक। दूसरा, अच्छे जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप लोग, अच्छे विधायक चुनते हैं, अच्छा चेयरमैन चुनते हैं, तो वे लोग पहल करके फिर इन योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए आपको देखिए राशन भी मिल रहा होगा, पहले राशन भी बड़ी दिक्कत होती थी, राशन गरीब के नाम पे राशन कार्ड वितरित तो होते थे लेकिन राशन उस गरीब को मिल नहीं पाता था। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किसी को मिलता ही था ही नहीं, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड किसी को मिलता ही नहीं था, गरीब बेचारा देखता रह जाता था। लेकिन आज योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है और कोई घूसखोरी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा तो सीधे हरेक गरीब के खाते में जाना है, जो घूसखोरी करेगा तो दूसरी तरफ से जेल का रास्ता उसके लिए खुला रहता है, एक तरफ से अगर पैसा लिया तो दूसरी तरफ जेल और फिर संपत्ति जब्त। आप ही के बगल में भी चला होगा बुलडोजर, कहीं चला कि नहीं चला? चलिए बहुत सुंदर। निर्मला जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, ये तीसरी किस्त का पैसा भी आपके खाते में चला गया है, और जन्माष्टमी के दिन माँ विंध्यवासिनी धाम में रह करके आपको ये तीसरी किस्त जा रही है। हमारी तरफ से माँ विंध्यवासिनी मंदिर में जाके प्रणाम करिए और माँ को माँ का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना? बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। केंद्रीय उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर नगर पंचायत
हाँ मंजू जी कैसे हैं आप? नमस्ते। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आज तीसरी किस्त जा रही है आपके लिए? जी सर, मिल गया ना। आप तो जो है पूरा अपडेट रहती हैं हमेशा कि आपको पता है कि बैंक में कितना पैसा जा रहा है। अच्छा फोन पे? हाँ तो देखिए आपके खाते से कोई जबरदस्ती पैसा निकाल नहीं पाएगा। हाँ आपको ये दो किस्त पैसा मिला है, पूरा पैसा मिल गया था किसी की सिपा? हाँ हाँ एक पैसा 50,000 का फिर पैसा आ गया आपके खाते में। मकान वगैरह की क्या स्थिति है? बना दिया है मकान? हाँ, दो कमरे बने हैं। हाँ और जो हाँ किचन बना है, बाथरूम बना है। हाँ शौचालय भी बना है। बहुत सुंदर, तो आपने तो अच्छा मकान बना दिया। आपके पति क्या करते हैं? अच्छा मजदूरी का काम करते। आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? क्या क्या और मिला है सरकार से? हाँ बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और जो है ये जो है आपको ये रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला? अच्छा पहले से है आपके पास है। चलिए बहुत सुंदर, और भी जो योजनाएं होंगी सबका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। ये मकान आप अच्छे ढंग से बनवा दीजिए। हाँ तो बन तो देखिये जन्माष्टमी के दिन आज आपको इस योजना का भी लाभ मिल जा रहा है। तो आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आप इस मकान से अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप देखिए योजनाओं का लाभ जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुने जाते हैं, ऐसे मिलता है। हाँ बोलिए क्या? हाँ धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामनाएं, अभिनंदन। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, अब मैं सर की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास योजना का अध्याय इसको संपन्न करते हुए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के संवाद प्रसारण करता हूँ। आपके संज्ञान में है कि 650 नगर निकायों के 50,000 से ज्यादा लाभार्थी समय इस संवाद से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम जनपद आगरा, आगरा में श्री पवन कृपया लाइन पर आने का खर्च करें। नमस्ते पवन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का ठेका लगाता हूं आगरा में। अच्छा आगरा में। आपको पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितने का लोन मिला है? पहले सर आपको 10,000 रुपए का मिला था। पर उसको हमने छुपा दिया, तो 10,000 का दे दिया। वाह, कितने की चाय बेच लेते हैं एक दिन में? वाह आप बहुत सुंदर। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ये पैसा जो है बैंक से प्राप्त पैसा आपको इस निधि के अंतर्गत मिले, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, पूरा कार्यालय तुरंत हो गया था, बैंक में फटाफट हो गया। आपने अपने को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? वाह देखिए आप तो बहुत, इसमें और भी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन सभी को भी आप। और यहाँ एक चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को संवाद कर रहे हैं उनके साथ और साथ ही साथ योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचा रहे हैं। नमस्ते शीला जी, कैसी हैं आप? ठीक है सर। आप क्या काम कर रही हैं वाकासी में? सब्जी का दुकान। बहुत सुंदर, आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितने का लोन मिला है? लोन पहले। बहुत सुंदर, वाह
आप तो पूरा जो है आपने तो बिजनेस का नया मॉडल अपना लिया है कि एक बार पहले लेकर के उसका चुकता करने के बाद अब नए सिरे से फिर आपको 20,000 रुपए का भी लोन आपने लिया है। क्या काम कर रही हैं आप इस लोन से? क्या करते हैं? सब्जी और फल फल का विक्रण की विक्री करती हैं? कितना लाभ हो जाता है एक दिन में? अच्छा, प्रतिदिन 250-300 का विक्री हो जाता है, बचत हो जाता है। वाह, परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं। अच्छा, आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है शासन का? क्या क्या हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, अच्छा प्रतिनिधि जब आप लोग चुनते हैं तो शासन की योजना का लाभ भी इसी अच्छे ढंग से मिलता है। और ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोगों ने सांसद काशी से चुना और लाभ पूरा देश उठा रहा है। पूरे देश के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना चाहिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन में हर एक गरीब परिवार को शौचालय उपलब्ध कराकर, उज्ज्वला योजना में हर एक गरीब परिवार को रसोई गैस का मुफ्त में सिलेंडर उपलब्ध कराकर, कोरोना काल खंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाकर, हर एक गरीब परिवार को बिजली के निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री जी ने देखे कितना बड़ा काम किया है हर एक व्यक्ति के लिए। और एक काशीवासियों का सौभाग्य है कि आपको प्रधानमंत्री जी को चुनने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए शीला देवी जी, आप जो काम कर रही हैं वहां पर बहुत सारे अन्य महिलाओं के लिए आप आदर्श बन सकती हैं, जो बेचारे हताश और निराश होकर के बैठ जाती हम क्या करेंगे, उन लोगों के लिए आप एक आदर्श हो सकती हैं कि नहीं, अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो, चुनौतियों से जूझने की तमन्ना हो, तो वह फल सब्जी बेचकर स्वावलंबन की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। क्या आपने डिजिटल पेमेंट के साथ अपने आप को जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? कैसा पेमेंट करती है बैंक में आप? हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर। इससे भी तो आपको लाभ हो रहा होगा। इससे लाभ हो रहा होगा ना? अन्य लोगों को भी इसके लिए आप तैयार करेंगी? देखिए, जितने भी अन्य फुटपाथ विक्रेता हैं, इन सभी लोगों को भी अगर आप इसके लिए तैयार कर पाएंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी खुशहाली लाई जा सकती है। शीला देवी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी के अवसर पर आज इस योजना का लाभ मिलने के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं और मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ठीक है सर, आपको सर हम बता देते हैं सर कि आप बता रहे हैं सरकार रहेगा तो हम लोगों को कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर में श्री अजय कुमार आप आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते अजय कुमार जी, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? सर जी मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ। अच्छा, वैसे मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? सर मुजफ्फरनगर के। अच्छा, वहीं के हैं जी सर। तो वहाँ पे आप जो है कब से ठेला लगा रहे हैं? सर ये हो गया 4 साल हो गया सर। 4 साल, इससे पहले क्या करते थे? अच्छा, डेली मजदूरी करते थे जी सर। इसमें आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिला है, कितने का लोन आपने लिया है? सर 10,000 का लोन मिला है। 10,000 का लोन लिया है आपने जी सर। और इसमें डिजिटल पेमेंट को करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी ली है कि नहीं ली है? जी सर, बताया था उन्होंने फोन पे से करते हैं सर।
हाँ तो आप अब उसको ले रहे हैं ना पूरा जी सर। आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? जी सर मिला है। क्या क्या मिला है सर? उज्ज्वला सिलेंडर और सर राशन मिलता है ठीक है दो बार। हाँ और सर जनधन जनधन योजना खाता। हाँ ठीक है जी सर। अच्छा ये आवास है आपके पास? वही है ना आवास तो रह रहे हैं ना उनके मकान ठीक ठाक है? नहीं सर बस ऐसा ही है। नहीं ऐसे है तो अगर आप उसमें अगर आपका जर्जर आवास है आपके पास अपनी जमीन है जर्जर आवास है तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आप हो सकते हैं ठीक है ना। मैं वहाँ पे डीएम साहब बैठे हुए हैं और मंत्री जी बैठे हुए हैं इनसे कहूंगा कि लोग देखें ऐसे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं जिनके पास अपनी लैंड है 3 लाख रुपए सालाना से कम उनकी आय है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में आते हैं शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। देखिए अजय कुमार जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। कौन क्लास तक पढ़े हैं आप? सर पांचवी तक पढ़ा हूं सर। पांचवी तक पढ़े हैं लेकिन देखिए आपने अच्छा काम किया पढ़ाई अपनी पांचवी तक क्लास पढ़ने के बाद भी आप जो है ठेला लगा करके इस कार्य को कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? जी सर। कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? सर एक आठवीं में छठी में। ओ तो दोनों आपसे ज्यादा पढ़ लिए हैं अभी तक। पढ़ाइए उनको खूब ठीक है ना? जी सर। हाँ खूब पढ़ाइए और अच्छे दिशा में उनको आगे बढ़ाइए सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। अजय कुमार जी आपको और जितने भी वहां पर अन्य फुटपाथ के विक्रेता हैं स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब बुंदेलखंड की ओर चलें। जनपद ललितपुर श्री ओम प्रकाश जी आप आमंत्रित हैं। जी राम राम। राम राम जी कैसे हैं आप ओम प्रकाश जी? अच्छे हैं सर। आप क्या करते हैं? सर फुटबॉल करते थे हम 30 साल से सर वहीं पर है। हाँ। और कोई लाभ नहीं मिला 30 साल से। हाँ। जब आपकी सरकार आई तो हमें लाभ की किरण उम्मीद की नजर आई। हाँ। और हमें नगर पालिका द्वारा हमारा आवेदन भरा गया 10,000 लोन के लिए। हाँ। और हमें तत्काल लोन मिल गया सर। आज हम खुशी है जहाँ 300 रुपए कमाते थे आज हम जूता चप्पल भी रख लिए हम 500 रुपए दिन कमाए। अरे वाह जूता चप्पल ये जो मंत्री जी बगल में बैठे हैं ये पैसा तो नहीं मांगते हैं उसका चप्पल तो जूता चप्पल फ्री में जूता चप्पल तो नहीं मांगते हैं पेमेंट करते हैं ना पेमेंट करके ही देना चाहिए ठीक है ना। अच्छा आपको किसी अन्य योजना का लाभ और भी मिला है कि नहीं मिला है? सारे लाभ कर रहे हैं सर जब से सरकार आई सभी लाभ। आवास मिला आपको? नहीं आवास का फॉर्म भर दिया सर वो भी आने वाला है। ठीक है और सिलेंडर? सिलेंडर भी मिला है सर। हाँ और जो शौचालय है शौचालय भी हमें बनवाया था सर। बहुत सुंदर। अच्छा और का नाम राशन कार्ड अंतोदय कार्ड भी सर दो बार मिला सर। कोरोना काल में तो हम सर दो बार हमारे लिए गेहूँ मिला चावल मिला सर प्रतिमा भी मिला सर। ठीक है बहुत सुंदर। देखिए आपको ये योजनाओं का लाभ मिलना है आप और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 5 लोग हैं सर। 5 लोग हैं। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? हाँ सर बिटिया बीटीसी कर रही है। वाह बच्चा है 11 पास है। तो उसको आप पढ़ा दीजिए उसको भी थोड़ा और आगे पढ़ा दीजिए। पढ़ रहा है सर। हाँ जो ये मूक बधिर विद्यालय है उसमें उनको उसको एडमिशन करवाइए। पढ़ लिख लेगा तो आपको देखिए जितने भी ऐसे दिव्यांगजन बच्चे हैं इनके लिए सरकार रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दी है तो अगर पढ़ लिख जाएगा तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। ठीक है तो आपको जो है आने वाले समय के लिए बच्चा जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा तो उसको खूब पढ़ाइए इसमें। ठीक है 11 पास हो चुका है। हाँ आगे भी पढ़ाइए उसको सरकार पूरी सुविधा देगी इसमें। ठीक है और आप एक बार दिखवा लीजिए एम्स आदि में मैं जिलाधिकारी वहां बैठे हुए हैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि एक बार उस बच्चे को दिखवा लें अगर ऑपरेशन से उसका संभव हो पाएगा तो
हो सकता है कि इस व्यवस्था। और यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है डॉक्टर और दो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। फिरोजाबाद में डेंगू से बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख। आज मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों का जानेंगे हाल। सदर विधायक मनीष असीजा ने हालात से कराया था अवगत। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में होंगे शामिल। कृष्ण जन्मभूमि में करेंगे पूजा अर्चना। प्रशासन सीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा। एक करोड़ खर्च के बाद भी अंबेडकर और काशीराम स्मारकों का मरम्मत कार्य खटिया। थर्ड पार्टी जांच में मानक के विपरीत मिला काम। रेलवे की संस्था राइट से एलडीए ने कराई थी जांच। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की सख्ती। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 10 दुकानदारों पर मुकदमा। कालिका हट और कालिका स्वीट्स के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजधानी लखनऊ में 2 साल से ढूंढे नहीं मिल रहे 19 गांव के नक्शे। फंसा है मास्टर प्लान। एलडीए उपाध्यक्ष की बैठक में अधिकारियों ने दी थी नक्शे न होने की जानकारी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से महाराजगंज में बाढ़। गांव में घुसा पानी, लोग पलायन को मजबूर। राहत और बचाव कार्य जारी। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हितग्राही हैं उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहे हैं। जी मिला। क्या क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास मिला। बहुत सुंदर। और लोन मिला। इसके अलावा जो है कि ये उजाला गैस मिला। ठीक है। इसके लिए कहीं से कोई सिफारिश या घूस देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं। देखिए ऐसे ही होता है, जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है जी। और आज देखिए आपको प्रधानमंत्री आवास मिला। आवास के लिए फिर मुफ्त में कनेक्शन भी मिला होगा। मिलेगा अभी ले लीजिए, आप आवेदन कर दीजिए, आपको मुफ्त में कनेक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा रसोई गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में मिल गया जी। राशन कार्ड की सुविधा का लाभ भी मिलेगा जी। मिला राशन कार्ड की सुविधा भी मिल गया। और देखिए अब व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपए का लोन भी आपको प्राप्त हो गया है। आप अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं और अगर नियमित पेमेंट करके डिजिटल पेमेंट के साथ आप जुड़ जाएंगे तो ये आप जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इस बार 10,000, अगली बार 20,000, इस तरीके से आपको हर बार योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा। ठीक है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये 10,000 नया और मिल जाएगा आपको जी। तो आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और देखिए अच्छे लोगों को चुनने पर ऐसे लाभ मिलता है। अच्छा विधायक, अच्छा सांसद चुनेंगे तो उसका लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हरेक गरीब के लिए इस प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया है। श्याम जी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी केंद्रों से अपने माइक बंद कर लें। जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं अपने माइक्स को क्लोज कर दीजिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से जनपद के जो 653 नगर निकाय हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम स्वनिधि के लाभार्थी इस बात को सुन रहे हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाखों लोग समय इस बात को सुन रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आदर्श माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम, सारे जन कल्याणकारी
आज की इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री नगर विकास श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, नगर विकास से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में सभी नगर निकायों में उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज आप सबके जीवन में एक नई मंगलमय समाचार के साथ आ रही है और आपको शासन की योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को और अन्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,853,000 लाभार्थियों के खाते में 1,341 करोड़ रुपये से अधिक की राशि यहाँ पर हम लोगों ने अभी वितरित की है। इसमें जो धनराशि वितरित की गई है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मुझे यही कहना है कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो योजनाओं का लाभ कैसे हरेक व्यक्ति को प्राप्त होता है और कैसे बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी जा सकती है, तकनीक इसमें कैसे सहायक हो सकती है, उसका एक उदाहरण आज का एक कार्यक्रम है। पीएफएमएस के माध्यम से इस पूरी धनराशि आप सभी के खाते में जा रही है। देखिए, पहले होता क्या था, जब हम डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं देते थे, ये पैसा चेक के माध्यम से या नगद वितरण होता था, तो इसमें भ्रष्टाचार भी होता था, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। और इसीलिए इस देश के एक प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, गरीब के खाते में मात्र 15 रुपया पहुंच पाता है, यानी 85 रुपया पहले बेमानी से दूसरे लोग हड़प जाते थे और गरीब देखता रह जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर 100 रुपया किसी गरीब के लिए स्वीकृत हुआ है तो 100 के 100 रुपये का लाभ उस गरीब को अनिवार्य रूप से मिले। इसके लिए डिजिटल यहाँ डीबीटी के माध्यम से उस गरीब के खाते में पैसा देना, इस योजना का लाभ कैसे उपलब्ध कराया गया, ये आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सबसे पहले हरेक गरीब परिवार के खाते खोले गए। हर गरीब परिवार के खाते खोलने के बाद फिर एक एक योजना का लाभ उनके खाते में सीधे देने की व्यवस्था हुई और कोरोना कालखंड में तो करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास भी हुआ और लोगों को बैंकों में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गांव-गांव में बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी और बैंकिंग जो क्रॉस्पोंडेंट थे, इनके माध्यम से उनके घरों तक पैसा पहुंचाने का काम भी हुआ है। अच्छी संवेदनशील सरकार और लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकार इसी भाव के साथ कार्य करती है और आज बिना भेदभाव के क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं या क्या समाज का दिव्यांगजन या समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो,
उन सभी लोगों को आज अगर शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो रहा है तो इसके पीछे शासन का यही भाव है, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में, अकेले शहरी क्षेत्र में 17,16,000 से अधिक गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है, जिनमें से 8,65,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर उस जरूरतमंद गरीब को योजना का लाभ देकर के उसे एक आवास अवश्य उपलब्ध कराया जाए, जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर विकास ने भी और ग्राम्य विकास ने भी जो कार्य किए हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। मुझे याद है 2017 के पहले पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था, 17वें यानी स्थान पर, 23वें स्थान पर या 27वें स्थान पर यूपी था। सरकारों की रुचि नहीं थी कि भारत सरकार की योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीबों को भी उपलब्ध हो, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, दोनों में भारत सरकार की हर योजना का लाभ हर एक जरूरतमंद और हर एक गरीब को उपलब्ध कराने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए उसमें उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस योजना का लाभ हमें उपलब्ध हुआ है। मुझे यानी पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को इसमें देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नगर पंचायत में हरिहरपुर नगर पंचायत को मलिहाबाद नगर पंचायत को प्रथम और हरिहरपुर नगर पंचायत को तृतीय स्थान देश के अंदर प्राप्त हुआ। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में अवार्ड 100 डेज चैलेंज यानी इस योजना के अंतर्गत 21 जून से लेकर 30 सितंबर तक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश इस योजना में फिर से पहले स्थान पर आएगा। आज का जो कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों ने PFMS के माध्यम से DBT के माध्यम से धनराशि अभी आपके अकाउंट में भेजी है, आपके पास SMS आ गया होगा, और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने अभी मेरे साथ संवाद के दौरान इस बात को कहा भी है कि उनके खाते में पैसा आ गया, इसका SMS उनको प्राप्त हो चुका है। अब तक जो लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 11,92,929 आवासों को जियोटैग का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिनमें से 7,46,550 आवास जियोटैग की इस स्कीम के अंतर्गत पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर हर वह लाभार्थी जिसके पास अपना आवास नहीं है, जमीन है लेकिन आवास नहीं है, या जर्जर आवास है, सालाना आय 3 लाख से कम है, उन सभी लाभार्थी परिवारों को इसके साथ जोड़ करके इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने में नगर विकास से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण पूरी रुचि लेंगे और योजनाओं का लाभ उन सभी लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना शहरी लागू किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान
पूरे देश और पूरी दुनिया जब कोरोना से पस्त थी, त्रस्त थी, तब भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहाँ गरीबों का ध्यान रख करके उन्हें आत्मनिर्भर ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ रही थी। और आज देश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम बार यानी शहरी जो पथ विक्रेता हैं